कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज की हमारी आ, क्लास फिर से विलियम शेक्सपियर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह हैं इसमें क्वेश्चंस हैं ठीक है तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपको लाइव क्लास दे सकूँ लाइव क्लास देने का ये फ़ायदा है कि साथ साथ आपको लर्न होता रहेगा ठीक है क्लॉज टेस्ट वगैरह होंगे तो उससे काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा ठीक है और ये तभी हो पाएगा जब एक हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक हज़ार सब्सक्राइबर होने के लिए प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मिल सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो दोस्तों फो फाउल डीड्स वाइज दो ओल द अर्थ ओवर वेलम दैम टू मेन्स आइज दोस्तों ये लाइन कहाँ कहाँ से ली गई है ये विलियम शेक्सपियर के हिले से ली गई है फाउल डीड्स rise, ठीक है दो all द अर्थ ओवर them दैम टू मेन्स आइज इसके बाद है समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क दोस्तों ये भी हेमलेट की ही लाइन है मर्सील्स ने ये बोली है तो समथिंग इज़ रॉटन मतलब कुछ ना कुछ पक पक गया है डेनमार्क स्टेट में ये मर्सील्स ने बोली है हेमलेट में द मीनिंग ऑफ हिक एट उबिक दोस्तों ये थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है, जो जो हैं जो फॉरेन जो कहावतें इडियम्स वग़ैरह होती हैं उस टाइप की चीज़ें होती हैं तो इसमें द मीनिंग ऑफ हिक एट उबी का मतलब है हेमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हेमलेट हेमलेट में जो घोस्ट हैं उसके पिता हैं उन्हीं को एड्रेस करता है ये हेमलेट ठीक है और इसका मतलब है हेयर एंड एनी वेयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलोसफी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दे आर इन ठीक है हेवन में होरेसियो देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फ्ले होरेसियो जो है होरेसियो uh, को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है तो हैमलेट टू होरेसियो हैमलेट यहाँ पे होरेसियो ठीक है हेमलेट बोल रहा है होरेसियो को कि देयर मोर थिंग्स इन हैवन एंड देन आर ड्रीम्ड ऑफ इन योर फिलासफी ठीक है फॉर देयर इज नथिंग आईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं होता है बट थिंकिंग मेक सो केवल हमारी सोच होती है जो उसका बुरा या अच्छा बना देती है तो ये भी दोस्तों हेमलेट ने बोली है रोजन क्रेंट्स को ठीक है ये इसके फ्रेंड्स थे रोजन क्रेंट्स ठीक है और गिलडस्टोन अब सिक्स की बात है तो दस कंसाइंस डज मेक कवाड्स ऑफ अस ऑल दस कंसाइंस कंसाइंस क्या होती है दोस्तों हमारी इनर कंसाइंस मतलब हमारी जो आ, अंदर की जो शक्ति होती है उसको हम कंसाइंस कह सकते हैं तो ये मेक कवार्ड्स ओ ऑल हम सबको कवार्ड बनाती है कायर बनाती है तो ये किसने बोली है बात ये भी हेमलेट ने बोली है हेमलेट प्ले में अवर थॉट्स आर अवर्स हमारी थॉट हमारे हैं देर एंडस नन ऑफ योर ऑन ठीक है तो इनका अंत तुम पर नहीं है हमारे जो थाट्स हैं वो हमारे हैं और तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे हैं तो ये बात भी ये प्लेयर किंग ने बोली है हेमलेट में वट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हेमलेट ठीक है वट इज द नेम ऑफ द प्ले इन हेमलेट हैमलेट में जो प्ले है उसका क्या नाम है द माउस ट्रैप दैट सोल्स द मर्डर ऑफ गोन्जेगो ठीक है माउस ट्रैप दैट सोल्स द मर्डर ऑफ गोंगो ये इसका मतलब है बैप्टिस्टा इज द वाइफ ऑफ बैप्टिस्टा किसकी वाइफ है दोस्तों गोंजेगो की वाइफ है ये भी जो कि हेमलेट में एक कैरेक्टर है ओ हेमलेट दाउ हैज हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन यहाँ पे भी हेमलेट को आ, संबोधित किया जा रहा है और किसके द्वारा क्वीन ओ अरे हेमलेट माय हार्ट इन ट्वेन मेरा हृदय जो है वो बिल्कुल डरा जा रहा है ठीक है इलेवन में वी नो वट वी आर हमें पता है कि हम क्या हैं बट नो Not दैट what we may be. लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम क्या बन सकते हैं इन फ्यूचर में फ़िलहाल जो हम हैं क्या पता हम फ्यूचर में कुछ और हों तो ये बात ऑफेलिया ने बोली है इस हैमलेट प्ले में वैन सोरोज कम जब दुख आते हैं दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन जब दुख आते हैं ना तो वो एक आध नहीं आते हैं वो एक पूरे के पूरी बटालियन आ जाती है तो ये किंग क्लोडियस ने बोली है हेमलेट प्ले में वेअर्थ ऑफेंस इज लेट द ग्रेट एक्स फाल जहाँ पर ऑफेंस होता है अपराध होते हैं लेट्स द ग्रेट एक्स फास कुल्हाड़ी होती है वैसे दोस्तों तो वहाँ पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी से यहाँ हो सकते हैं कि हथियार चलते हैं या कुछ ऐसा मीनिंग यहाँ पर हो सकता है तो किंग क्लोडियस ने बोली है ये ये भी हैमलेट प्ले में है जो कि हेमलेट के चाचा हैं देर इज़ डिवाइनिटी दट एपियर्स अवर्स एंड ठीक है देयर इज़ डिवाइनिटी दैट सेप्स आवर एंड्स ये डिवाइनिटी होती है जो हमारी हमारे अंत को जो है निर्धारित करती है कि कैसे हमारा अंत होना है तो ये चीज़ दोस्तों हेमलेट बोली है हेमलेट प्ले में ऑस्क्रिक एपियर्स इन ऑस्क्रिक नाम का एक करेक्टर है ये भी हैमलेट में है ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ एलारिया ऑर्सिनो नाम का एक ड्यूक है तो दोस्तों ये एलारिया का ड्यूक है और ये कौन से प्ले में है ट्वेल्थ नाइट में ये कैरेक्टर है और सीनो ठीक है ड्यूक ऑफ एलारिया इज इट अ वर्ल्ड टू हाई वर्चुस इन क्या ये संसार है जो हाई वर्चुस यहाँ पर वर्चु होते हैं वर्चु से मतलब भाग्य निर्धारित होते हैं लोगों के तो सर टॉबी टू सर एंड्रयू सर टॉबी ने यहाँ पर सर एंड्रयू से ये बात बोली है और सर टॉबी किस में है दोस्तों सर टॉबी भी हमारे प्ले में है ऑर्सिनो किस में है दोस्तों सीनो इलेरिया के ड्यूक है जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया है आपको तो ये ट्वेल्थ नाइट में है और सर टॉबी फॉर सर एंड्रयू भी हमारे इसी प्ले में है ट्वेल्थ नाइट में इज़ द नेम अडोप्टिड कसेरियो या सिजैरियो जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें द नेम अडोप्टिड बाई अ करेक्टर इन डिस कौन ये करेक्टर डिस्गाइज है तो क्या नाम है इस करेक्टर का डिस्गाइज होता है दूसरी वेशभूषा धारण कर लेना तो ये वियोला नाम की लेडी है जिसने ये सिसरियो नाम का अपना नाम रखा हुआ है जो एक जेंट्स बनी हुई है मैनी आ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट्स आ गुड मैरिज अटर्ड बाय फिस्टे इन विच प्लेस तो दोस्तों मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट्स अ गुड मैरिज मैनी अ गुड हैंगिंग्स मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रिवेंट दूर करती हैं अच्छी शादी को है ना अच्छी शादी को भी बर्बाद कर देती हैं तो अटर्ड बाय फेस्टे इन विच विले ये फेस्टे के द्वारा बोली गई है लाइन तो कौन से प्ले में है ट्वेल्थ नाइट में है इनफर्मिटी दैट डिस इज द वाइज डॉट एवर मेक द बेटर फूल इनफर्मिटी दैट डिसेज द वाइज इनफर्मिटी दोस्तों जो डिसेज कर देती है जो बुद्धिमानों को भी मतलब एक टाइम होता है ये जो बुद्धिमानों को भी पागल बना देता है डॉट एवर मेक द बेटर फूल है ना जो अच्छे खासे इंसान को पागल बना देता है तो ये टाइम होता है इस चीज़ की बात मेलवोलियो ने बोली है अपने प्ले में इस प्ले में दोस्तों ट्वेल्फ नाइट में है ये मेलबोलियो और ये ओलिविया जिससे ड्यूक और सीनो प्रेम करते हैं उनका ये यहाँ पे नौकर है ये मेल वोलियो जिसपे जो है ओलिविया बहुत भरोसा करती है और बहुत इसको जो है लगाव से रखती है तो यहाँ तक के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जल्दी ही दूसरी एक वीडियो होकर आएगी लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखना है दोस्तों इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है ये बात मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं शेक्सपियर के आपको करा रही हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है ओके okay, दोस्तों थैंक यू बाय बाय शेयर कीजिए वीडियो को लाइक like कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है ओके बाय बाय टेक केयर